guys, what's up? This is your host, the CK, and you're watching CK Films Official. Welcome to my YouTube channel, a new and a fresh episode. And today's episode was disaster, the disasters of Odisha. नदी दिखने में बहुत ही सुंदर होती है. जब अपनी सीमा में रहती है तो एकदम जैसे बहती ही जाती है, और उसको देखकर आंखों को इतना आनंद मिलता है कि उसकी परिकल्पना की नहीं जा सकती. लेकिन जब नदी कराल रूप लेती है तो उसके साथ लाती है कहर और न जाने बहुत सारी चीज़. जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि ओडिशा एक बेहद सा खूबसूरत सा राज्य है. हमारे ओडिशा में बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ओडिशा. जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी अभी रसगुल्ला, इसके लिए ओडिशा काफ़ी सारा प्रसिद्ध है. और जगन्नाथ जी जो हमारे महाप्रभु हैं, जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा के लिए ओडिशा काफ़ी प्रसिद्ध है. हम लोग वहाँ से यहाँ से ओडिशा में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे टूरिज्म स्पॉट हैं. और उड़ीसा बेहद ही, जितना आप उड़ीसा के अंदर जाओगे उतना आपको बेहद खूबसूरत सी जगह देखने को मिलेगी. उड़ीसा टूरिज्म में भी काफ़ी हद तक आगे है. लेकिन उड़ीसा में जो ये है, एक बहुत बुरी चीज़ है क्या, उड़ीसा में बहुत सारे डिजास्टर्स होते रहते हैं और हर साल आते हैं. जैसे कि हरिकेन्स और फ्लड, ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस जो हर साल आते हैं और उड़ीसा हर साल ये सब सिचुएशंस फेस करता है. तो जैसे कि आप सब लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो नदी है उसको हम लोग महानदी बोलते हैं. ये उड़ीसा का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा नदी है, और यही मेन रीज़न है उड़ीसा का, जो कि फ्लड सिचुएशंस और सबके परेशानी का जड़ भी इसी को ही माना जाता है. क्योंकि इसमें जब बाढ़ आती है तो ये महानदी है, ये बहुत ही बड़ी नदी है, ये बहुत ही बड़ी नदी है. इसके बहुत सारी शाखाएँ हैं और महानदी के साथ बहुत सारे ऐसे नदी हैं जो और नदी हैं उड़ीसा में, जैसे कि बैतरणी हो गया या फिर जैसे और सारे बहुत बहुत नदियां हैं, वो सब आके महानदी के साथ जुड़ती हैं. और जब महानदी में बाढ़ का पानी आता है तो फिर ये सारी नदियों का भी पानी आ जाता है, और इसके कारण जो लोअर एरिया के लोग हैं उनको बहुत ही तकलीफ होती है. और मुश्किल से मुश्किल बात ये है कि उड़ीसा में जो अभी महानदी आ रही है वो छत्तीसगढ़ से निकली है. महानदी की उत्पत्ति स्थल छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से महानदी निकला हुआ है. और छत्तीसगढ़ की सरकार वहाँ पर इतने सारे बैरेजेस बना चुकी है कि उसके ऊपर, कि वो पानी को इतना कंट्रोल करता है कि जब समर का सीज़न होता है ना, तब यहाँ पर नदियों में पानी नहीं आता है महानदी में. और जब रेन सीज़न होता है तो छत्तीसगढ़ जितना पानी अपने एरिया में यूटिलाइज करना होता है वो यूटिलाइज करके फिर महानदी में बूस्ट अप कर देता है, जिसके कारण महानदी में ढेर सारा पानी आ जाता है. और हमारे ओडिशा में सिर्फ एक ही एक डैम है जो है हीराकुड डैम, जो कि 1960 में बना हुआ है, और आज उस डैम को लगभग 62 साल या 60 साल हो चुके हैं, जिसके कारण वो बांध इतना पुराना है, ना ही उसके आगे कोई बांध बनाया गया है, ना ही कुछ और व्यवस्था की गई है. जितना हमने ओडिशा सरकार से सुना है, लगभग अभी जो गवर्नमेंट है वो लगभग 23 साल से अभी गवर्नमेंट में है, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो 23 साल से हैं, लेकिन उन्होंने बस घोषणा कर दी है कि यहाँ पर हम और 7 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन वो बनाते नहीं हैं, जिसके कारण उड़ीसा में हर साल बाढ़ आती है. आपको याद होगा एक बार केदारनाथ में, उत्तराखंड में एक बार बारिश, बादल फटने की जैसे बारिश में पूरी स्टेट में फ्लड हो गया था और केदारनाथ वैली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, वैसे ही उड़ीसा में हर साल बारिश के टाइम पे इतनी ज़ोरदार बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है. और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर खेतीबाड़ी करके लोग ज़िंदा रहते हैं. खेतीबाड़ी यहाँ की किसानों की रोज़ी रोटी है, खेतीबाड़ी से ही सबका घर चलता है. और बेस्ट ऑफ बेस्ट उड़ीसा में ज़्यादातर लोग किसान रहते हैं. जब बाढ़ आती है ना तो किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. जो लोग डेली बेसिस पे कमाते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि रास्ते सब क्लोज़ हो जाते हैं और लोग काफ़ी परेशानी झेलते हैं. खाने के लिए ठीक से कुछ मिलता नहीं है, और प्रशासन हर वक्त लेट पे पहुंचती है. लेकिन इसका एक उपाय हो सकता है, चाहे सरकार इसके लिए कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाए. हर साल उड़ीसा में किसान ही हमेशा परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो समर सीज़न में जब फसल की पानी की ज़रूरत होती है, तब छत्तीसगढ़ सरकार बैरेज बनाने के कारण पूरा पानी रोक देती है, और जिसके कारण एक बूंद पानी के लिए भी किसान तरसता है. और जब मानसून और रेन सीज़न में थोड़ी बहुत फसल हो जाती है तब बाढ़ आती है और छत्तीसगढ़ सरकार पूरी पानी को फ्लश आउट कर देती है, जिसके कारण जो फसल होती है वो बाढ़ में ही बह जाती है. और इसके कारण भी
काफ़ी सारे किसान जो होते हैं जो लोन वोन लेके कुछ करते हैं, या फिर जो छोटे मोटे किसान हैं जो लोन लेके फसल उगाते हैं, उनमें से काफ़ी सारे किसान सुसाइड भी कर लेते हैं इसके कारण, क्योंकि ज़्यादातर तो उनका लॉस हो जाता है, इसके वजह से किसान की आत्महत्या भी हो जाती है उड़ीसा में। फिर जब बाढ़ के टाइम में उड़ीसा में सिर्फ नदी की पानी अंदर नहीं जाती है, हमारे जो एरियाज़ हैं वो बहुत ही लोअर एरियाज़ हैं, और ऐसे नहीं है कि हमारा एरिया है, उड़ीसा में हर जगह पे लोअर एरिया ही नदी का पानी हर जगह घुसता है। सिर्फ नदी का पानी ही नहीं घुसता है, जो बैक वाटर्स होते हैं, जो पानी जंगल से आती है, मानसून के बारिश का पानी जो जंगल से आ जाता है, जो कि ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि किसान के खेत को जा सके, वो पानी खेतों में फुल होके जब वो आउट होती है, जब वो आके नदी के साथ मिलती है, वो पानी भी इतना ज़्यादा हो जाती है कि नदी का फूलने के कारण, नदी थोड़े हाइट पे आने के कारण वो पानी फिर से बैक को पुश होती है, जिसके कारण पीछे से पानी कवरअप होता है और हर जगह पे बाढ़ आ जाती है, हर जगह पानी से लॉक हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फुटेजेस हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। मैं एक राइडर होने के नाते जो मेरा जो काम है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैंने हर चीज़ रिकॉर्डिंग करी है, हर फुटेज कलेक्ट किया है, मैंने आप सबको फुटेज दिखा दूंगा। मैं लगभग 2-3 दिन घूम घूम के फुटेज इधर उधर से कलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बिहाफ पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आप सबको वो फुटेज दिखा भी दूंगा। और बैक वाटर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाया जिसके कारण उसको रोका जा सके, या फिर उसको स्टोर करके उसको फिर से रिलीज़ किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कारण वो एक मेन पॉइंट है, और जो बैक वाटर जहाँ पर नदी से मिलता है, मैं उसका वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। वो ब्रिज भी, वो जगह भी इतने कम हाइट पे है कि जब बाढ़ आता है वो पूरी तरीके से फुल अप हो जाता है। ये जो कैनाल है, ये बैक वाटर का एग्जिट कैनाल है, यहीं से ही पानी आउट होती है नदी की तरफ, लेकिन इस कैनाल को काफ़ी सालों से अनदेखा किया जा रहा है, इसको मरम्मत नहीं किया जा रहा है, इसके कारण बैक वाटर भी फिर से एंटर हो गया। एक बात ये है कि सरकार थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचना चाहिए, मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ या फिर किसी और को दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर 23 साल के शासनकाल में सरकार ने 7 प्रोजेक्ट्स महानदी के ऊपर बनाने की सोची थी, लेकिन आज तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है, और जो हीराकुड डैम है वो लगभग 62 साल पुराना है और वो मिट्टी का बांध है। एक चीज़ ये, हीराकुड डैम वो मिट्टी का बांध है और वो काफ़ी पुराने के टाइम पे बना था, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी फुल अप है, लेकिन उसके लिए एक दो तीन और बैरेजेस अगर बना दिए जाएंगे तो फिर हीराकुड में थोड़ा प्रेशर कम जाएगा। तो फिर बाकी आप सब फुटेज में देख सकते हो क्या नहीं है क्या है। ये वीडियो आप जो देख रहे हो, ये 14 अगस्त की वीडियो है, ये पहले दिन है जिस दिन नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ रही थी और लोग काफ़ी परेशान थे। एक मंदिर था जो डूब गया था। मेरा जो घर है वो एक्चुअली नदी से थोड़ी ही दूरी पर है, क्योंकि हमारे जो गांव है वो नदी किनारे से ही नदी यहीं से ही जाती है, और मेरे घर से नदी 1.2 किलोमीटर है। तो ये उसी पहले दिन की ही शाम की वीडियो है जो मैंने शूट किया था, और आप देख सकते हो अभी नदी का जो यहीं पर जो मैं वीडियो अभी फ्रीज करने वाला हूँ, यहाँ से देखो जो रेडियस है, ये लगभग इस छोर से लेकर उस छोर तक 3.5 किलोमीटर है, और इतनी बड़ी नदी है और इतनी बड़ी रेडियस है इस नदी की, और बस तब तक नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था और सबको डर भी लग रहा। सो इट्स एक्चुअली 16 अगस्त, एंड ये तीसरा दिन था जब बैक वाटर एंटर होने लगा था और धीरे धीरे सब जगह लॉक हो रही थी, और मैं बाइक से ही घूम के ये वीडियो लिया था, क्योंकि काफ़ी जगह पर पानी भर रहा था और उस जगह पर जाना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये मेरे दो दोस्त मेरे साथ थे, राजा और सोम, उन्होंने ही मुझे हेल्प की थी ये सब वीडियो शूट करने में। अंधेरा आप सब लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि लगभग रात के 8 बज रहे थे जब यहाँ पर रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह बस पानी ही पानी है। मैं जब सुबह गया था इसी रास्ते से गया था, लेकिन जब मैं लौट रहा था 2-3 बजे दोपहर को, यहाँ पर पानी घुसना चालू हो रहा था और लॉक हो रहा था रास्ता धीरे धीरे। और एक चीज़ ये है, मेरे गाड़ी के पास 1 फीट का पानी था, लेकिन आगे जाके 3 फीट के आसपास पानी था, जहाँ पर गाड़ी लेके जाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। बस लोग डर नहीं रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी, तो इसलिए थोड़ा सा डर कम था। जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर गाँव में धीरे धीरे पानी भरना चालू हो रहा था एक एक गाँव में, और सब घर में भी पानी घुसना चालू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये जो पानी अभी आ रहा है, यहाँ पर अभी धीरे धीरे रास्ते पर पानी हो रहा था लगभग 3 और 3.5 फीट के आसपास, और
हमें बाइक इसलिए, बाइक पूरी डूब रही थी, हमें बाइक इसलिए घुसानी पड़ी क्योंकि हमें घर वापस आना था, और हम अकेले नहीं जा रहे थे, हम दोस्तों के साथ गए थे। ठीक है, तुम जो ये वीडियो में है ना, जहाँ तक देख रहे हो पानी वहाँ तक भरा हुआ है। ये रोड, ये जो मेन, ये जो रोड है, बस ये अभी आगे जाकर थोड़ी दूर पे बाद लॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी पानी अभी रोड के ऊपर, ऐसे रोड के ऊपर चल रहा है, और इस तरफ भी देख सकते हो पूरा पानी से भरा हुआ है। और ये बेसिकली ये सब पूरा खेत एरिया है। ठीक है, ये जो किसान है उनकी ज़मीनें हैं खेतीबाड़ी करने की, तो दोनों तरफ पूरा पानी भरा हुआ है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पानी, पूरा पानी है। और ये सब सारा फ्लॉड वाटर है, जो बैक वाटर बोलते हैं, ये सब वैसा है। और यहाँ से बस आगे 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद एवरीथिंग वाज लॉक्ड, रास्ते लॉक्ड हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं, लोग अभी बांध का रास्ता यूज़ कर रहे हैं, जो नदी बंध पर जो बांध बना हुआ है नदी के साइड में, वही बांध पर ही लोग जाते आते हैं। ये सब शॉर्ट्स जो हैं, वीडियो जो है, मैं बाइक से ही घूम घूम के ले रहा हूँ, जहाँ तक बाइक जा पा रही है, बस यही है। उसी 17 अगस्त की ही बात है, जब मैं दोपहर 3 बजे के आसपास नदी किनारे गया था पानी देखने के लिए कि पानी की हालत, पानी कितना क्या छूटा है। तो आपको दिख रहा होगा नदी के अंदर काफ़ी सारे पेड़ हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन वो पहले दिख नहीं रहे थे क्योंकि नदी की पानी और हाइट पे थी, और बाकी जितने सारे पेड़ दिख रहे हैं वो सब डूब चुके थे। यहाँ पर देख सकते हो, तो ये भी एक पेड़ था जो डूब चुका था, लेकिन अभी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा उसका ऊपर का हिस्सा। तो ये थोड़ी सी राहत की बात थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम था क्योंकि लोगों के जाने आने के लिए तकलीफ थी। और अभी देख रहे हो ये जो बांध है, ये मिट्टी का बांध है जो कि नदी के किनारे बनाया गया है ताकि नदी अंदर ना आ पाए, लेकिन ये बांध इतना कमज़ोर है और पतला है, और देख सकते हो लोग इसी पर ही जा रहे हैं आ रहे हैं। इस बांध की भी मरम्मत नहीं की जा सकती है, और लोग अपने जान को भी खतरे में डाल के इस मिट्टी के बांध पर जा आ रहे हैं, क्योंकि जाना आना लोगों की एक परेशानी है। यहाँ पर देख रहे हो ये जो लोग देख रहे हो कैसे बाइक चला रहे हैं, और कुछ उपाय भी नहीं है इसके लिए, लोगों को चलना पड़ रहा है इस पर वो जबर। और यहाँ पर डेट 20 अगस्त है, और 20 अगस्त को धीरे धीरे पानी बैक वाटर, जो ये बैक वाटर आप देख रहे हो, ये धीरे धीरे छूटने लगा था। तो इतना ही है बस। सो यार, ऐसा कोई मेरा कोई गलत कुछ मकसद नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी मेरा आइडिया नहीं है कि मैं ये वीडियो क्यों बनाया या फिर क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ ये है कि देखो यार, मैं जहाँ पर बुराई देखता हूँ वहाँ पर वीडियो बना देता हूँ, और हमारे यहाँ के लोग हर साल ये सब बड़े बड़े डिजास्टर्स फेस करते हैं। तो इसके लिए मेरा मेन पर्पस यही था कि वीडियो बनाने का, क्योंकि हर साल ओडिशा को डिजास्टर में प्राइज़ मिलता है कि ये नंबर 1 स्टेट है, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन यार कोई अंदर तक नहीं देखता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रॉपर वे में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं देखता है, कोई नहीं पूछता है। और एक और बात है, दूसरी बात कि यार डिजास्टर मैनेजमेंट होने के लिए एक तुमको एक क्या होता है कि जो लोकल प्रशासन होती है उसका काम होता है कि वो पहले जाके चेक करे कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग जो लोकल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनका काम होता है कि वो जाके देखेंगे कि लोग क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं क्या नहीं, और रास्ते कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ पर से रास्ते में पानी आ गया है, वहाँ पर कैसे कुछ प्रॉपर वे में कुछ अगर किया जा सकेगा तो फिर लोगों को कैसे मदद मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, बट अभी अगर बोलूँगा तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें भी उठेंगी मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं अभी खिलाफ में बोलूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस उसको बोल रहा हूँ कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला जा सके ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करना पड़े। और एक बात है कि देखो यार, जब बाढ़ आती है ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो लोग बाढ़ कभी देखते नहीं, जो लोग टाउन में रहते हैं ऊँचे जगह पर रहते हैं, वो लोग बाढ़ को कभी फेस नहीं करते हैं, फ्लड सिचुएशंस
कभी फेस नहीं करते हैं। तो वो लोग जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वहाँ पर से खड़े होकर पानी को देखते हैं, वाह वाह इतना इतना पानी यहाँ पर पानी हो गया, उनको अच्छा लगता है देखने के लिए। लेकिन यार जो लोग जो किसान जिसके घर में पानी घुसा है, जिसके खेत में पानी घुसा है, जो गांव में पानी घुस जाता है, वहां पर लोग काफी परेशानी में झेलते हैं। आप उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते हो जिनके घरों में पानी है, क्योंकि जिस किसान के खेत में पानी जाता है उसका लॉस होता है, जिसके घर में पानी घुसता है उसका भी लॉस होता है, क्योंकि यार उसके घर में 2-3 दिन के लिए खाना पीना बंद हो जाएगा, वो कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर सोएगा, उसका कोई पता आता ठीक नहीं है। लेकिन यार आप लोगों को पानी देखने में मजा आता है, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको ही पता है क्या होता है क्या नहीं। ठीक के है, टाइम पे लोग ही इंसान या फिर ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम में नहीं आती है, एनिमल लाइफ भी प्रॉब्लम में आ जाती है। जैसे कि अगर फ्लड सिचुएशन और बाढ़ के टाइम पे ज़्यादातर रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हो गए और स्कॉर्पियंस बिच्छू सांप ये सब जो घर में घुस जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर काफ़ी सारे पॉइजन वाला स्नेक जो होता है जिसको आप पॉइजनस स्नेक जैसे कि कोबरा हो जाता है, या फिर असल वाइपर, वाइपर जो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट इंडिया के दो सबसे बड़े वेनमस स्नेक माने जाते हैं वो सब पानी में आ जाते हैं। वहाँ पर कॉमन क्रेट आ जाता है, वहाँ पर वैनेट क्रेट आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सांप है जो आ जाते हैं, और सिर्फ सांप आ जाते हैं, कभी कभार क्रोकोडाइल्स भी आ जाते हैं, तो मगरमच्छ जिसको आप बोलते हो हिंदी में। तो हमारे ओडिशा में 2-3 जगह पर रिजर्व है जो क्रोकोडाइल रिजर्व कहते हैं, वो 2-3 जगह पर है। जब बाढ़ का पानी ऊपर आ जाता है, फ्लड सिचुएशन आ जाता है नदी पर, तब तो क्या होता है ना, जो रिजर्व बनाया गया है वो ऑलमोस्ट नदी के पास ही बनाया गया है ताकि क्रोकोडाइल रिजर्व में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर उन जानवरों को कोई परेशानी ना हो। तो क्या हो जाता है ना, जब पानी ऊपर आ जाता है लेवल में, तब तो कई भी कभार क्रोकोडाइल के जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर क्रोकोडाइल का जब यंग एज का छोटा साइज वाला क्रोकोडाइल होता है तो वो क्या होता है ना, पानी के अंदर आ जाता है और वो कहीं ना कहीं छिपके रह जाता है और वो उस रिजर्व से बाहर निकल आता है, उसके टेरिटरी या फिर उसके सीमा से बाहर आ जाता है और फिर वो पानी में रहता है। और कभी कभार जो फ्लड सिचुएशन विलेज में आ जाती है और पानी जब विलेज में आ जाता है तो क्रोकोडाइल्स भी आ जाते हैं, कभी कभार घुस जाते हैं। और सबसे भयानक चीज़ वही होता है कि लोग कहाँ पर रहे, नीचे उनके घर में पानी है, वहाँ पर सांप भी हैं, वहाँ पर क्रोकोडाइल भी है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें। मैं क्रोकोडाइल के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जितना वीडियो मेरे को मिला था व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं कोई कोई भेजा है मेरे को, मैं उसके सोर्स और बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक दो बार हमने न्यूज़ में भी देखा है कि क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, तो ये गलत बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, और मेरे पास वो वीडियो है, मैं आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लो। ठीक है, और ये हाँ जो मगरमच्छ देख रहे हो ये घड़ियाल मगरमच्छ है, और ये मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर ही देखा गया था, स्पॉटेड किया गया था जहाँ पर नदी किनारे। सो ये वाला वीडियो एक सच्चे वीडियो है। हाँ ये बात सच्चे है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ओडिशा एक बेहद खूबसूरत राज्य है, तो ओडिशा सच में एक बेहद ही खूबसूरत सा राज्य है। लेकिन ये बात भी सच है कि ओडिशा में ऐसी सारे बहुत बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पर सरकार या फिर लोकल अथॉरिटीज़, सरकार की बात छोड़ दो, लोकल अथॉरिटीज़ एक्चुअली ठीक से टाइम से एक्शन नहीं लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आपको वीडियो में कई बहुत सारी चीज़ें दिखा दिया हूँ, और जो जो चीज़ें दिखाया है मैंने वीडियो पे उस चीज़ के बारे में बस वो क्या बोलना है कि गवर्नमेंट पैसा देती है लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ में इतना पावर नहीं है या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। आई थिंक उन लोगों की गलती है, कि किसकी गलती है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ जिस चीज़ को आप लोग प्रॉपरली अगर देख लो तो लोगों को थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगा और थोड़ा लोग आपके ऊपर भी खुश रहेंगे कि हाँ चलो लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अफसरों ने, जो गवर्नमेंट का अफसर है उन्होंने कुछ काम किया है ताकि वो आप पर खुश हो सके। हमें यहाँ पर, मैं यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस यही बोल रहा हूँ कि
मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर लोग परेशानी में आते हैं, और लोग हर साल परेशानी में आते हैं, और इसके लिए कुछ किया नहीं जाता है। बस उनको थोड़ा सा मुआवजा मिल जाता है उनके खेतों का, या फिर जिनके खेत खेत बाड़ में बह जाते हैं उनको थोड़ा सा मुआवजा मिल जाता है। मुआवजा मिलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर उनको अगर और पक्के बांध मिलेंगे और पक्के सड़कें मिलेंगी और सब कुछ इन टाइम पे होगा तो फिर थोड़ा और हो जाएगा और उनको हेल्प हो जाएगी। सो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी हर 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 उस इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है, और थैंक यू दैट आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और बस यार इतना ही आज के ब्लॉग में। मैं एक्चुअली बहुत दिन से ट्राई कर रहा था ब्लॉग ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था बिकॉज मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओन रीजन से सॉरी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और बस आप सबका प्यार ऐसे बना रहे, आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट इसमें दिखाएं, क्योंकि मैंने ये आपको जो भी फुटेजेस दिखाया, जो दिखा चुका हूँ इस वीडियो में, वो सब कुछ ओरिजिनल है, रॉ क्लिप्स है। मैं कहीं पर से जाके कॉपी नहीं किया हूँ, मैंने खुद रात में और ऑलमोस्ट 3 फीट के पानी, 2 फीट के पानी में घुस घुस के वीडियो बनाए हैं, और कभी कभार धूप में भी वीडियो बनाया हूँ। तो फिर बस इतना ही कहना है आप लोगों से, सपोर्ट करो यार, और क्या कह सकता हूँ। सो आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो, देन यू नो द ड्रिल, डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब द चैनल, एंड नीचे मेरा अभी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइज। चलता हूँ, जय जगन्नाथ, साइनिंग ऑफ बसी के।